साइबर इंग्लिश क्लासेस कैदराबाद दरभंगा के छात्रों ने किया कमाल, लाए बेहतर नंबर, टॉप करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। पीसी सर के द्वारा इंग्लिश यहां पढ़ाया जाता है और बेहतर अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जहां माय एडमिशन लीड के इंजीनियर सजल यादव जो वहां पहुंचे और छात्रों को सम्मानित किए, साथ ही मार्गदर्शन भी दिए कि आगे की पढ़ाई किस तरह से करना है और कौन से क्षेत्र में बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसको लेकर के माय एडमिशन लीड के डायरेक्टर सजल यादव ने पहुँच करके छात्राओं को संबोधित किए और मार्गदर्शन दिए। इस दौरान कई शिक्षक भी मौजूद थे। बता दें कि जो बेहतर परफॉर्मेंस लाने वाले छात्र थे उन्हें सम्मानित किया गया मेडल दे करके और प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं माय एडमिशन लीड के डायरेक्टर सजल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चे बीबीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री से ऑनर्स कीजिए, जो भी आर्ट्स ऊपर है उससे ऑनर्स कीजिए, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए। आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। इसके बाद जिनको लिटरेचर में लिटरेचर पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है और जो बोल सकते हैं 100 की भी में बोल सकते हैं, वो जर्नलिज्म कर सकते हैं। जिनको लिटरेचर से प्यार है, प्यार इन द सेंस जिसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है कि मैं कुछ आर्टिकल लिखूं या अपने विचार अपने पेन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाऊं, वो कैंडिडेट जर्नलिज्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इनको नहीं इंटरेस्ट है, स्टडी से इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट करें कि मुझे जॉब भी मिल जाए और मेरी एक पहचान ही बने। तो आप फाइन आर्ट्स कर सकते हैं और फैशन डिजाइन कर सकते हैं, ये बी कॉम और आर्ट्स वाले दोनों कर सकते हैं। तो मेरा कहने का कुल तात्पर्य यही था, आपका साथ दिया होगा, बस हम जैसे कुछ बोलेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे युवा लोग कि जो भी करना है उसे शिद्दत से करना, डिसाइड करना आपको, ठीक है। आप लोग घर में रहते होंगे, बोलते होंगे पड़ोस के भैया जो है सो और इस तैयारी कर रहे नहीं रहा है, खाना बाबू तैयारी कर रहे नहीं रहा है, वो भैया इसे लेकर बाहर पढ़ने के लिए हो गया, कल होंगे आपके बारे में सब बोलेंगे, आपके छोटे भाई पर जो भी है बोलेंगे आपके बारे में, आपको भी सुनना होगा इस सब चीज़ें। जो भी करना अभी से अपना सोच समझ के स्टेप लीजिए। 12th तक नॉर्मली कोई कैंडिडेट कुछ नहीं होता है, 12th के बाद ही मेन होता है कि भैया आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। 12th तक तो क्या, 10th पास करने के बाद अपने पास 3 ही रास्ता बचता है, या तो साइंस रखे, कॉमर्स रखे और आर्ट्स रखे। ज्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है, जब 12th कम्प्लीट होता है तब असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। अभी के समय में क्या है, पढ़ाई मीन्स आउटडोर एनिमल, पढ़ाई वही है जहाँ से पैसा कमाया जाए। अब वो समय खत्म हो गया, लोग संन्यास बन के धोती पहन के जंगल में जाके पढ़ाई करते, तो वो समय खत्म हो चुका है। अब सीधा सीधा मीन है पढ़ाई का, मतलब हाउ टू अर्न मनी। पढ़ाई आपने क्या बोला कि बैगेज पा रहा होता है, तो उसी इंजीनियर की पढ़ाई हो रही है। सिंपल लॉजिक है, अभी सोसाइटी का यही कहना है कि आप अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसके हिसाब से सोसाइटी आपको जज करती है कि आपने क्वालिटी क्या है। आप रात में कितना देर पढ़ते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिन में कितना देर जो दिखता है करती है कि आप क्या। अब वक्त है दिखाने का, अभी जिस तरफ भी जाएंगे आप 4 साल का सब वक्त लगने वाला है। अभी कैसा देश प्रिय होगा आपको कि कोई आपको एक्चुअल में होता क्या है ना कि आज के डेट में और 3-4 साल और खास करके गर्ल्स की टाइम बहुत कम मिलता है, यानी कोई सा रिगार्डेंस जो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि कम समय में जो आपके लिए बेटर हो, कोई ऐसा कोर्स करे जो कम समय में जल्दी से हो जाए, जहाँ से जो अर्निंग होना शुरू हो जाए। सभी आप सोचते हैं आप लोग भी सोचते हैं और बोलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इंसिपेंट जरूर करते हैं। उसके लिए आपके गार्जियन कहने का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए ऑनर्स कीजिएगा 4 साल लगेगा, उसके बाद मान लीजिए अगर टीचर भी लाइन में जाना है फिर 2 साल बीएड कीजिए, 6 साल हो गया, फिर 1.5 साल आप तैयारी कीजिए। तो हमें भी लगता है कि शायद इतना ज़्यादा टाइम सभी आदमी को मिल पाए, इसीलिए हम यही कहेंगे कि कोई ऐसा कोर्स लीजिए ताकि कम समय में आपको जल्द हो सके, जहाँ से बोल गया हो जाए।
उन्हीं आपके लिए मोबाइल और thank you.
सारे बच्चे और सर लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे इस बच्ची के साथ। कुछ पारिवारिक एग्जाम के मेन एग्जाम के समय सर नवंबर दिसंबर में इसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और सभी साहब के भर्ती थे, भाई भी सीरियस था आईसीयू में। उस स्थिति में घर को भी संभालते हुए पढ़ाई करते हुए जहाँ तक पापा का जो भी बिजनेस है उसको भी आगे तक पढ़ाई नहीं है, अकेला पढ़ना घर चलाना मेडिकल में पापा को देखना भाई को देखना ये लड़की सर साइकिलिंग से दूर तक पहुंचाने का काम करती है। मुस्कान कुमारी फादर से मिस्टर राकेश कुमार इस बच्चे के साथ भी सर मेन एग्जाम से एक महीना पहले पिताजी का उस स्थिति में पढ़ाई और अचीव को गोल किए सर फर्स्ट गोल सिचुएशन में होता ही है कि बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं और हर चीज़ों से डिप्रेस हो जाता है, इसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक बार फिर से तालियां बजाइए। उषा कुमारी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उषा कुमारी फादर्स ने मिस्टर साधु शरण चौरसिया आज Thank you.
जोर से बताइए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मेरे फादर का नाम राकेश कुमार शाह है, मैं कैदराबाद में रहती हूँ। मैं साबिर इंग्लिश क्लासेस से पढ़ाई हूँ और सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, मोटिवेट किया है आगे से अच्छे पढ़ने के लिए। और इस बार उन्होंने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मोटिवेट किया हम लोगों को और मतलब इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, लाइन बाय लाइन गाइड किए हैं और हमें मतलब गाइडेंस भी दिए हैं कि मतलब किस हिसाब से मतलब एग्ज़ाम में हम लोग को प्रिपरेशन एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करना चाहिए। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर हम अपने बड़ों को और हम जिस कोचिंग से पढ़े हैं और किसी से। कितना अंक आया था आपको? सर मुझे इंग्लिश में 69 मार्क्स आए हैं और सर हिंदी भी पढ़ाए हैं हमें, हिंदी मतलब अच्छे से बहुत अच्छे से इंग्लिश के साथ हिंदी भी हम लोग का लेकर चले हैं और हिंदी में भी मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला, 77 मार्क्स मुझे हिंदी में आए हैं। क्या करना है आपको आगे चल करके? आगे चल करके मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छा जॉब चाहिए। हमारी क्लास 12 से पीसी चौधरी सर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से सर मोटिवेट किए हैं, जिस तरीके से सर हम लोग को पढ़ाए हैं, उस तरीके से बहुत कम टीचर ऐसे मोटिवेट करके खुद अपना पन लगा कर से पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग सर हम लोग को कन्विंस किए पढ़ाई के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी हो तो सर हम लोग को हमेशा आगे रखते हैं और कोई भी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम हो तो सर अपने पेरेंट्स की तरह एकदम सर अपने क्लोज में बात करते हैं और जिस तरीके से सर हम लोग को 12th में पासिंग मार्क्स के लिए जितना मोटिवेट हुए हैं सर, सरी के थ्रू हुए हैं और सर के लिए जितना बोले उतना कम है और ये सारा श्रेय अपने टीचर को अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। कितने घंटों का मेहनत है आपको? हमारे 8 घंटे को मेहनत है, डेली के 8-10 घंटे पढ़ते थे उस टाइप के, सर पढ़ाते थे और हम लोग खुद मेहनत करते थे। कितना अंक आया? 80% आया। क्या नाम है? काजल कुमारी। ठीक, हाँ बताइए। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रमोद सैनी है, मैं साइबर इंग्लिश क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू पीसी सर को बोलना चाहती हूँ, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, हमें बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया है, जो ये भी सर हम लोग को बताएं जो कोई भी बच्चे कमज़ोर नहीं होते, सब बच्चे हर चीज़ में आगे हो सकते, हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। सर हम सबको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं और अपने बच्चों की तरह हम लोग को सर प्यार करते हैं। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं पीसी सर को देना चाहूँगी। कितने घंटे की मेहनत आपका है? 7-8 घंटे का मेहनत है सर, हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करते, इतना अच्छे से जो मतलब ऐसा कोई टीचर जल्दी किसी को गाइड नहीं करता। तो आगे क्या करना है? आगे पढ़ाई करना अच्छे से और जॉब चाहिए। रेटिंग करने का अगर मौका मिले तो पीसी चौधरी सर को कितना रेटिंग करना चाहेंगे आप 10 में से? 10 में से 10। नए बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जो सब बच्चे अच्छे से पढ़े और ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे कि नए बच्चे सर के पास आए साइबर इंग्लिश क्लास में, क्योंकि सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं, सर के पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। थैंक यू। मैं सर पीसी चौधरी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग को मोटिवेशन करते हैं कि कैसे क्या करना, आगे कैसे पढ़ोगी, कैसे क्या करोगी, सब बात सिखाते हैं और हम लोग को कभी डराते नहीं, हमेशा फ्रेंडली बात करते हैं एक फ्रेंड की तरह और अच्छे से गाइड करते हैं। कितना मार्क आया आपका? 85। बात करो अगर इंग्लिश का मार्क आ तो? इंग्लिश में 85 ओवरऑल। 408। क्या करना है आपको आगे चल कर के? अकाउंटेंट बनना है। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अंजलि भी बोले जोर से बोलो। और पीसी चौधरी सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाया, बहुत अच्छा गाइड किया है, हर हमेशा हम लोग को साथ दिया है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कितने घंटों का मेहनत है आपका और कितना देर आप पढ़ाई किए हैं? 11 12 पूरा यहाँ पढ़ाई किए हैं या फिर 12 से ज्वाइनिंग किए? नए बच्चे के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? कि वो पीसी सर के यहाँ अच्छे से ज्वाइनिंग करें, अच्छे से पढ़ाई करें और सर भी अपना बहुत अच्छा बेस देते हैं और बच्चे भी अपना बेस। क्या करना है आपको आगे चल के? आगे चल के हमको अकाउंटेंट बनना है।
मेरा नाम अजीत कुमारी, मुझे इंग्लिश में 73 मार्क्स आया है। सर ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सर किसी को भी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करा तो किसी सर के पास आया, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और मेरा इंग्लिश में 73 मार्क्स है, टोटल मार्क्स 363 है। और मैं 7 आवर्स रोज़ पढ़ती थी और मैं अच्छे से तैयारी की थी 12th का एग्ज़ाम। क्या तरीका सर के पढ़ाने का तरीका है? बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाते हैं, एक माध्यम से पढ़ाते, किस सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सभी बच्चों को। क्या करना है आपको आगे चल करके? आगे चल के मुझे सीए की तैयारी करनी है, कॉमर्स की नहीं है। सजिता परवीन है, मैं सोहन से आई हूँ। मैं सेवर इंग्लिश क्लास की स्टूडेंट हूँ। मुझे सेवर इंग्लिश क्लास में 75% आया हुआ और मैं सर को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत ही और अदर स्टूडेंट को बहुत ही मोटिवेट किए हैं, इसलिए सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं तो हर साल एक समान ही पढ़ाता हूँ, बच्चों के मेन है मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए गाइड करता हूँ। जो बच्चे अच्छे हैं उसको और अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं उससे ज़्यादा फोकस करता हूँ उन गरीब बच्चों पे जो जिसको बहुत सारा सुविधा नहीं मिल पाया है और फिर भी पढ़ाई में आतुर है, खूब मेहनत करता है, कर रही है। मैं उस तमाम स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ और इंग्लिश के प्रति जो रुझान है उस बच्चों में सहजता से परोसने का काम करता हूँ। इस बार क्या स्थिति रही सर? इस बार तो बहुत अच्छे बच्चे से पास किए हैं। कितने प्रतिशत सफलता हाथ लगा? लगभग 90% अपने यहाँ का रिजल्ट है। जो बच्चे बहुत सारे एबसेंट भी रह चुके हैं, बाहर घूमने को चले गए, नहीं आ पाए आज के फंक्शन में। नए बच्चे के लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? नए बच्चों को मैं अपने कोचिंग के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि यह लिटरेचर पेपर जो है एक लैंग्वेज पेपर है, ग्लोबल लैंग्वेज पेपर है। इसको जितनी बारीकी से सीखा जाए वो हर फील्ड में काम देगा। इसके प्रति रुझान होनी चाहिए और जो दिखने को मिल रहा है अब के बच्चे जो आ रहे हैं वो सभी लगभग ठीक बच्चे सब आ रहे हैं, जो आगे हम लोग को पठन पाठन देने में और सुविधा हो रही है। आपका परिचय और कोचिंग का नाम सर? मेरा नाम हुआ PC चौधरी सर, साइबर इंग्लिश क्लासेस कर्पूरी द्वार हैदराबाद रहूँगा। नमस्ते सर, क्या कहेंगे? आज साइबर इंग्लिश क्लासेस कादिराबाद दरभंगा में सर ने 12th 12वीं के एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन करने वाले बिना नंबर को क्राइटेरिया बनाए हुए सभी बच्चों को सम्मानित किया है और उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप कैरियर काउंसिलिंग रिलेटेड बात कीजिए, बच्चे को किस सब्जेक्ट चुनना चाहिए आफ्टर 12वीं, ये चीज़ बताने के लिए मुझे सर ने आमंत्रित किया था। आपका परिचय? मेरा नाम इंजीनियर सजल यादव, माई एडमिशन लीड डायरेक्टर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो साइबर इंग्लिश क्लासेज जो कि कादिराबाद कर्पूरी द्वार के पास चलती हैं और इनके डायरेक्टर जो हैं PC चौधरी सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जो उन्होंने अवार्ड सेरेमनी रखा है, ऐसे बच्चे जो 12th में बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किए हैं उनको सम्मानित किया है। तो साइबर इंग्लिश क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं मेरी ओर से मैं उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ और इनके जो डायरेक्टर हैं PC चौधरी सर, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब कि कमज़ोर बच्चा को भी मेहनत करके उनको मोटिवेट करके बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, लगभग 99% बच्चा का फर्स्ट डिवीजन मार्क है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे तरीक़ा से जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनको गाइड करते हैं और पूरे भर साल मतलब अपने मतलब कि निगरानी में उनको हमेशा टेस्ट, रेगुलर टेस्ट वेस्ट ले करके जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको मोटिवेट करके सबको समान ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा। आज साइबर इंग्लिश क्लासेज जो PC चौधरी सर चलाते हैं हमारे कैदराबाद में, उनकी तरफ से बच्चों ने जो प्लस टू में अच्छा रिजल्ट करा है, टॉप करें हैं उनके यहाँ से और अच्छे स्कोर करें हैं, सबको सम्मान किया गया है, सम्मान के रूप में सर्टिफिकेट, मेडल और मोमेंटो दे करके और बच्चों के बीच में हर्ष उल्लास के साथ नाश्ता वगैरह करें। बच्चे के लिए सर आपका क्या संदेश जाएगा? बच्चों के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बच्चों खूब मन लगा के पढ़िए, खूब इस तरह से रिजल्ट लाइए और भविष्य में अच्छे करने के लिए प्रण लीजिए और आगे भविष्य में जो आपने सोचा है उस पर पूरा अडिग होकर काम कीजिए, फ्यूचर ब्राइट कीजिए। क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी हुआ है, मतलब कि बच्चों को मतलब कि इस तरह से देख के जैसे कि लग रहा है कि बच्चे सब बहुत सारे मतलब कि फ्यूचर के लिए की बहुत अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए भी और बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का जब हो गया तो बच्चे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद होने वाला क्या है,
क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा चाह रहा है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमको कैसे मतलब इनकी सफलता मिल सके, बेहतर कोर्स कैसे हो सके। आजकल तो बहुत सारा गाँव घर के बच्चे भी चाहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करे, BBA का कोर्स करे, BCA का कोर्स करे, बहुत सारे ढेर सारे उसके सामने अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या है कि कोई लाने वाला नहीं है हमारे पास। इन चीज़ों के माध्यम से हम लोग बच्चे को सेमिनार करके या फिर मोटिवेट करके चाहते हैं कि बच्चे एक बेहतर फ्यूचर की तरफ, हमारा बिहार भी आगे की तरफ बेहतर कार्यक्रम हुआ। क्या कहेंगे सर? मैं समान कार्यक्रम को किसी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो साइबर क्लास के डायरेक्टर है, और हम लोग को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मतलब हम लोग अपने मेहनत किए थे जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से सर के आशीर्वाद से पास हुए हैं। और मैं इस सम्मानित को अपने गार्जियन को सबसे पहले जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि हमको इस मकसद पे पहुँचाए ताकि सर से मतलब अच्छे से मतलब गाइड कर सके, और सर हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से गाइड किए, तो इसीलिए हम लोग इतने अच्छे मकसद पे पहुँचे। जो बच्चे नया आना चाहते हैं पीसी चौधरी सर के पास, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर देखिए, जो बच्चे नया आना चाहते हैं मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर पहले आके देखे, फ़र्क पढ़े और फ़र्क देखे कि सर किस हिसाब से गाइड करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर 11th और 12th दोनों पढ़े हैं, तो सर का जो मतलब पढ़ाने का